धनु राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:50 के उपरांत आप सभी के जीवन में ये दो देवता बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। आज शाम से आप सभी को एक साथ तीन तीन भयंकर खुशखबरी मिलने वाली, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि यह कुछ कभी आपके रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि दोस्तों यह खुशखबरी कोई मामूली नहीं है। यह आपके जीवन का नहीं बल्कि कलयुग का सबसे बड़ी खुशखबरी है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो यह देवी और देवता आपकी पर प्रसन्न हो चुके हैं और उन्हें का यह कृपा है जो आपको यह तीन भयंकर खुशखबरी मिलने जा रहा है। अब आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें और इस समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन जय माता दी जय शनिदेव तीन बार जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप एक बीमारी, माता रानी की असीम कृपा से, भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से आपके जीवन की सारे दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान शनिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है यह समय। आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है सुनकर आप उसको बैठेंगे। जी हां दोस्तों, बस हम आप सभी चेतन कहना चाहते हैं कि यह बात को आप बिल्कुल भी मजाक ना समझे, अन्यथा बहुत ही बड़ा मौका आपके हाथ से चला जाएगा और आप जीवन भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबिन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ही अंदर की है, आपकी राशि वालों की ही है, इनसे आप अभी तक अनजान है और यह बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और जब आप इन बातों को आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आप बिल्कुल ही अचंभित रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। आप दोस्तों कड़वी बातें हमें इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि सबसे सामना होता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से सामना कराने जा रहे हैं जिससे आप तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खासतौर से पिछले 1 से 3 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस्तीफा के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम ये होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके पसंद कर ले, अपने पक्ष में कर ले, तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली हो पाए। हम आपको बताएंगे जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और उन्हें उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हम यह नहीं कह रहे क्या आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं, धीमे धीमे आते हैं,
और ज्योति में बदलाव होते हैं, वही टिकाऊ भी होते हैं। आप इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठे कपोल, कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखे। हो सकता यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ध्यान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है और जवाब ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी तो उसे अपने जी उपयोग कर पाएंगे और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तभी तो हल हो पाएगा। दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते हैं, वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें, तब हमारा ताजमहल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे हफ्ते भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। याद रखें, जिनके साथ है माता लक्ष्मी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं, उनसे मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं, आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसे होता यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों, क्योंकि जब हमेशा खाली रहती है, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं है, क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी है, क्या आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं? जी हां दोस्तों। तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करती है दूसरी आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में, क्या आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी याद बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही सहना चाहते हैं, आपकी कांत में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके सच्चे प्रेमी होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते में खटास आने लगती है, लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, नजरिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें, उनके साथ बैठे हैं उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकट भी बात, जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही
आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है, तो मुझे कैसे? दोस्तों, आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे बड़े व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा है। और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इसे होता यह है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगता है और आप अपनी आसपास एक नकारात्मक वातावरण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। ऐसी में आपकी परेशानी कम होने की वजह और बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को कम से कम अपने लोगों पर तू भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि भी आपकी प्रेमी है, आपका भला ही चाहते, आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो आपको कुछ आएगा ही नहीं मिलता। ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हाल निकलने शुरू हो जाएंगे। यहां दोस्तों चौथी कड़वी बात, दोस्तों स्वभाव से ही आजाद ख्याल इंसान है, आपके जीवन में किसी का भी दखल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यदि आप जो भी काम करते हैं स्वयं के दिमाग से और स्वयं की मर्जी से करते हैं, आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार बार किसी काम के लिए रॉकेट ओके, क्योंकि आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप कई बार गलती कर जाती है, क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयं अपने दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि उनका लत फैसलों का परिणाम भी गलत होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बजाय इसके आप ऐसा करती कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, ये घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में चर्चा करती है, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और बेहतर नतीजे भी मिलते हैं, आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते। लेकिन हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयं लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी हां दोस्तों, और पांचवी कड़वी बात दोस्तों, वैसे तो आप बहुत मेहनती इंसान हैं, वह काम करते हैं अपने जीवन को बनाना और उसे ऊंचाई तक ले जाना, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद आपके जीवन में अलसी प्रवृत्ति और काम को डालने की आदत में शामिल है। अब इससे होता यह है कि जब आप अलग दिखाने पर आते हैं तो आप अपनी जरूरी से जरूरी काम को भी आगे डालते जाते हैं और नतीजा अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार झांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यस्त में ही किसी बात को इतना डाला है, इतना डाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया। तो यह भी आपकी राशि के जातकों का एक गुण है, या यूं कहें कि दुर्गुण है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब चैटिंग करती बात दोस्तों, आपकी राशि के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक विषय पर इनकी अपनी तर्क होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जी दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तौर पर इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं। जब तक यह तर्क की कसौटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजरती है और इन्हें खुद वह मान्यता नहीं लगती है, तो आप उसे नहीं मानते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। इस चक्कर में होता यह है कि लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं। एक बार आपने किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपनी विचारधारा स्थायी कर ली तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते, चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करें, आप उसकी बात नहीं मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। जी हां, दोस्तों के साथ भी करनी बात की है, छुट्टी अवश्य है लेकिन बहुत ही खास है। वैसे तो आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आपकी बुद्धि कलुआ हर इंसान मानता है, आपकी अपनी अलग विचारधारा है जिसे हम स्वतंत्र विचारधारा भी कह सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी भी है,
और वह कमी यह है कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर, मुरकामी याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है लेकिन छोटी छोटी चीजें आप अक्सर भूल जाया करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे आप अपना मोबाइल कहीं पर रख कर भूल जाए, चाबी ना कहीं पर कर भूल जाएंगे, किसी से कोई बात नहीं है और उसे आप भूल जाएंगे, किसी से कोई वादा किया है उसे आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से होता यह है कि लोग आपको लापरवाह समझ लेते हैं, हालांकि आप लापरवाह इंसान नहीं हैं। अरे काम के महत्व को जानते हैं लेकिन अपनी छोटी सी नकारात्मक आदत की वजह से आपको लुक नकारात्मक ही समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, आठवीं कड़वी बात दोस्तों, वैसे तो आप बहुत आशावादी इंसान हैं और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने का दम रखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी कमी यह भी है कि आप भविष्य को लेकर चिंताएं अक्सर करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, और कभी कभी तो भविष्य को लेकर आपको चिंताएं इस हद तक सताती है कि आपका वर्तमान भी खराब हो जाता है, यानी कि आज में आप नहीं जी पाते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इस वजह से कभी कभी अचानक कि आपका मूड खराब हो जाता है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आपको सन की समझ ले, क्या आप अपने दिल का हाल आसानी से किसी को नहीं बताते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इसका मूड खराब क्यों हो गया, कोई ऐसी घटना तो गाड़ी नहीं है। इस वजह से लोग आपको थोड़ा संस्थान की समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं नववी कड़वी बात की दोस्तों, आप लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अब हम बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं, इस वजह से आपको बता दें कि आपका खान पान के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वैसे आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो बहुत रहते हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां भी करते रहते हैं, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी कच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं 10 मिनट भी बात, आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उसी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच अनुशासन की कमी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, जैसा परफेक्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, वैसा ही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों हकीकत इसके उलट होती है। परिवार में माहौल बदलता रहता है, कभी कभी लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन इस चक्कर में आप शक्ति बढ़ा देते हैं और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर निकलेश बढ़ जाता है। हालांकि बाद में आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, फिर आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोस्तों भावनात्मक छूट एक बार किसी को लग जाती है, पानी से ठीक नहीं होती है, तो आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं है और आपके घर के लोग या फिर आपके घर का वातावरण की सर्वोत्तम या पास नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ काम या तो रहती ही है, तो आपको उन खामियों को भी स्वीकार करना चाहिए। ये दोस्तों अब 11 दिन कड़वी बात दोस्तों, आप सुबह से बहुत ही सिद्ध होते हैं। जी हां दोस्तों, जो आप मान लेते हैं उसे आप करके ही मानते हैं, इस चक्कर में होता है ये दोस्तों की कई बार आपके फैसले को गलत साबित हो जाते हैं, आपको नाकाम ही का मुंह देखना पड़ता है, किसान उठाना पड़ता है। आप जीवन में झांक कर देखे कई बार आपको परेशान है, केवल आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से ही प्राप्त हुई है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जिसके लिए हर इंसान आपसे ना कर रहा था, लेकिन आपको वैसा ही लग रहा था और आपने उसे कर लिया। बाद में आपको परेशानी हुई ना कामयाबी हाथ लगी और आपको अपने कदम वापस खींचने पड़े। जी हां दोस्तों की अच्छी खबर यह है आपके लिए, जैसे जैसे आपकी उम्र पड़ेगी आपका जिद्दी स्वभाव कम होता चला जाएगा। ओढ़ के 40वें पड़ाव में यानी 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपके अंदर की जिद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह बुद्धिमानी ले लेगी। जी हां दोस्तों, 12 दिन करती बात दोस्तों, आपके स्वभाव की होती है कि आप जैसे इंसान से प्रेम करते हैं तो खुलकर करते हैं और नफरत करते हैं तो उसे भी खुलकर करते हैं, दिखावटी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसे आपकी स्वभाव की कमजोरी मांग सकते हैं। तो अब इस चक्कर में होता है यह है कि पूरे संसार में ढिंढोरा पीट जाता है कि आप इससे प्रेम करते हैं और किससे नफरत करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इन बातों को छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन आपके स्वभाव की कमजोरी है कि
कि आप इन चीजों के बारे में उनका चर्चा करते हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी आपकी सुहाग की एक समस्या और है कि आप बनावट की भावनाएं किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम किसी से निकलवा नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम की गंभीरता को देखते हुए समय तक किसी के सामने थोड़ा सा भावनात्मक दिखावटी पर अवश्य दिखाएंगे, लेकिन जल्दी ही आप उस नकाब उतार फेंके गए, आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। इस वजह से आप अपने काम निकलवा पाने में अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चालाकी और धूर्तता आपके स्वभाव में शामिल नहीं है। आपका स्वभाव बेहद स्पष्ट है, लेकिन कभी कभी जीवन में चालाकी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में आप असफल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, हम आपको खुलकर बात बताते हैं कि आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत अभिमान शामिल होता है। जब आप किसी काम के मालिक होते हैं, जैसे आप किसी बिजनेस या व्यवसाय के मालिक होते हैं, तब आपका अभिमान कभी कभी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है, आप अपने अभिमान का ज्ञान भी रखते हैं, यानी आपको यह पता रहता है कि आप अभिमान दिखा रहे हैं, लेकिन हर जगह आप अपनी इस आदत को नियंत्रित नहीं करते हैं। यानी कहीं पर आप खुलकर अभिमान दिखाती है और कहीं कहीं पर कम दिखाते हैं, लेकिन अभिमान तो आपके अंदर होता ही है। ठीक इसी के साथ साथ जब आप कहीं काम करते हैं या नहीं, आप किसी के यहां बढ़कर हैं, तब आपको अपने काम पर बहुत गर्व होता है, यानी आप काम की कुशलता को लेकर बहुत अधिक आश्वस्त होते हैं। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस के यानी अति आत्मविश्वास के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, अब चौधरी कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन दिखावेबाजी में आपका कोई विश्वास नहीं है या नहीं? आप बिल्कुल भी नौटंकी दिखावेबाजी नहीं करते हैं, आप शुद्ध भक्ति में विश्वास रखते हैं, आप भगवान से सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी क्या आपका मानना यह है कि भगवान अंतर्यामी है और वह आपके मन को अच्छी तरह से समझते हैं, तो बाहर से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी अच्छी भावना उस वक्त पूर्ण रूप से बदल जाती है जब आपके ऊपर करके बताएं टूटती है? जी हां दोस्तों, को आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक को ही दोषी मान लेते हैं और भगवान पर क्रोध दिखाने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान से अपनी भक्ति का पूजा पाठ का पूरा हिसाब किताब भी मांगने लगते हैं। इन कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें करती कितने लंबे समय तक भगवान की पूजा की, सच्चे मन से आराधना की, फिर भी भगवान ने हमें इतनी कष्ट क्यों दिए, इतनी परेशानी क्यों दी, आखिर हमारी गलती क्या है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। यह भी आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है। पढ़ा कि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, कर्म के विधान को अच्छी तरह से समझते हैं, हमको भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है और आपकी धार्मिकता फिर जैसी की तैसी का हो जाती है। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, हालांकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, बुद्ध संपन्न होते हैं, अपने कार्यों में निपुण होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में आप अनाड़ी साबित होते हैं, कभी कभी तो दुर्भाग्यशाली भी साबित होते हैं। आपको अक्सर प्रेम में परेशानी और तू के देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो आपकी प्रेम में परेशानी आपकी अनाड़ीपन की वजह से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप विचार करके देखिए यह बात सत्य है या नहीं। हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में देरी की कमी पाई जाती है। समझने की कोशिश करिए, कैसी दोस्तों आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया, आपने कुछ समय तक इंतजार किया जब आपको अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते तो आप बेचैन हो उठते हैं और आप जल्द से जल्द फिर उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं, या नहीं, हर की कमी की वजह से आप असफलता को अपना लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य तय करती है और लक्ष्य को पाने के लिए भी आप जल्दबाजी में रहते हैं,
यानी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस लक्ष्य को हासिल करने हैं। हालांकि आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कार्य होने में समय तो लगता ही है, लेकिन आप उस समय को जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहते हैं। इस चक्कर में कभी कभी आप उस शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन शॉर्टकट की स्कीम की वजह से आपने कई बार अपना नुकसान कराया है, उनका नुकसान कराया है, व्यवहार का नुकसान कराया है। आप विचार करके देखिए, यह बात आपके जीवन में हुई है या नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़ी धूप आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय यानी जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होता है। यह बात निश्चित है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में भी आपको अच्छी कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसे में होता यह है कि आप उस कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, वह आपके हाथों से फिसल जाती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बेहतर यह होगा कि ईश्वर से आपने कामना करें कि आपको जो कामयाबी मिले वह है बेशक थोड़ा देर से मिले, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए, उम्र भर चलनी चाहिए। जो जो कामयाबी आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होगी आपकी उम्र भर चलेंगे। जी हां दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, आप अक्सर लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं, फिर आपको धोखा मिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। यह सिलसिला लगभग हमेशा चलता ही रहता है, आपके जीवन भर चलता रहता है। आप बार बार दुखी होते हैं, बार बार क्यों खाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार आप फिर से वही गलती दोहराते हैं। इस चक्कर में आप कई बार भावनात्मक तौर पर टूट चुके हैं कि आपने की इसे बहुत अधिक प्रेम किया, बहुत अधिक लगाम लगाया, अपने दिल की हर एक बात खुलकर बताएं, और बाद में पता चलता है कि वह इंसान तो आपका शोषण कर रहा था, आपके संसाधनों पर, आपके ऊपर पैसे पर आंखें गड़ाए हुए था। क्या भाई आपको धोखा देता है तो आपका इस संसार से भरोसा उठ जाता है? आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप को आप संभाल लेते हैं और भी जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन आप यही गलती फिर से करते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। जी हां दोस्तों, अब अगले कड़वी सच्चाई। दोस्तों, वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं दूसरों की रखते। ऐसी में होता यह है कि अक्सर बहस की दिशा बदल जाती है और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अभिमान तक पहुंचाती है। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य से चर्चा शुरू हुई और वह बहस बन गए, और वह फिर नकारात्मक बहस बन गई, और अंत में थोड़ा सा मन खराब भी हो गया। तो ऐसे में आपको बहसबाजी से बचना चाहिए। आपका स्पष्टवादी स्वभाव लोगों को हजम नहीं होता है, लोगों को इतनी सच्चाई सुनने की आदत नहीं होती है। इस वजह से लोग आपसी बुराइयां मांगने लगते हैं और आपकी बातों में अपना अपमान दिखने लगती है। हालांकि आपकी मन नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और अंत में एक और कड़वी सच्चाई, आप जरूरत से अधिक वादे कर जाते हैं। जी हां दोस्तों, फिर आप उन बातों को निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी खिल्ली उड़ जाती है। ये दोस्तों, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में जरूर से ज्यादा झुक जाते हैं, जरूर से ज्यादा बातें कर जाते हैं, और कुछ बात ही ऐसे होते हैं जो आपकी सीमाओं से बाहर है, फिर आपने पूरी नहीं कर पाते और फिर आपका मजाक उड़ा जाता है। तो यह भी आपके स्वभाव की एक कड़वी बात, जिससे आपको बचना चाहिए। जी हां दोस्तों, तुझे तो थी आपके स्वभाव की कुछ कड़वी बातें, वैसे तो 20 बंद कर दी। बातें हैं, लेकिन हमने खेला नहीं है। दोस्तों, शायद कुछ कम या ज्यादा रहेंगे, आप कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन से देवता है जिनकी आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है। हर अच्छे बुरे का पूरा हिसाब किताब उनके पास रहता है, आपके जीवन का, खास तौर से पिछले लगभग 10 सालों से आपके ऊपर उनकी तीखी नजर बनी हुई है। तो आपको कैसे उस देवता को अपने पक्ष में करना होगा। यहां दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान से सुने, अन्यथा आप जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करेंगे। तो ध्यान से सुने दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं
जिन्हें हम कहीं भी मानते हैं उससे भी अधिक होने देता मानते हैं कलयुग में। शनिदेव को न्याय का और कर्ण का देवता कहा गया है। शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा तीखी नजर रहती है। आपने ये नोटिस की होगी कि आपने चाहे छोटी से छोटी गलती ही क्यों न की हो, अपने जीवन में आपको उसका दंड अवश्य मिला है ना दोस्तों। आप थोड़ा सा अपने जीवन में झांक कर देखिए, आपने अगर जरा सी भी गलती की होगी, लोगों ने चाहे कितनी ही बड़ी गलती की हो उन्हें भले ही माफी हो, लेकिन आपने यदि छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको उसकी सजा अवश्य मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की नजर है और शनिदेव है ही कर्म की टिपानिया के देवता, भी आपके साथ हमेशा न्याय करते हैं। तो यह तो आपके लिए नकारात्मक बात हुई। आप सकारात्मक बात यह है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही, यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कि तो अब ऐसे में आपको सतर्क रहना है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी, किसी भी एग्रीमेंट को साइन काले रंग की ना करें। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ना तो कोई कर्जा लें और ना ही कोई घर जाते हैं। जी हां दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जब करने जाएं तो अपने पैरों में यानी पेंट लगे रहे खाली रंग की ही पहने, लेकिन उन पर कोई भी कपड़ा काले रंग का ना पहने, कुर्ता या शर्ट काले रंग की ना पहने, अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। किस आशा दोस्तों? शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर अवश्य जाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हो सके तो छाया दान भी अवश्य करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। इससे होगा, ये शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके लिए न्याय ही करेंगे। आपकी हर एक क्रिया का सही फल आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि पड़ेगी। जी हां दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें भी आप दान कर सकते हैं, जैसे लोहा तेल या फिर काली उड़द, बाल काले कपड़े या फिर काला कंबल वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको, कि आप इस जानकारी का उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको आज मन की स्थिरता बनाए रखने की सूचना गणेश जी देते हैं, क्योंकि अनिर्णय वाली मनोदशा के फल स्वरूप हाथ आए अवसर आज आप गंवा सकते हैं। समझौता करने की वृत्ति रखोगे तो किसी से संघर्ष नहीं होगा। प्रवास का आयोजन टाल दीजिएगा। लेखक कलाकार एवं सलाहकारों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। किसी नए कार्य का प्रारंभ आज ना करें, यह समय आपका ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने प्रिय से दिल की बात कहेंगे जिससे आपके साथी काफी खुश नजर आएंगे। वहीं गृहस्थ जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद के द्वारा यह जल्द ही समाप्त होगा। परिवार वालों के लिए कुछ समय निकालेंगे जिसमें आप सभी के साथ सुख दुहक बांटते हुए नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, छात्रों को नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिलेगा। नौकरी में आप अपने हिस्से आए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। धन आगमन के संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जोखिम भरे निवेश करने से बचें, समय अच्छा है। गुरु के 12वें घर में होने से धर्म कर्म के काम में मन लगेगा, घर में सुख का वातावरण रहेगा। हालांकि केतु के कारण लव लाइफ में टेंशन रहेगी, वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर से खुलकर रोमांस करेंगे, केनरियर के मामले में यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी में आप खूब एफर्ट लगाएंगे जिससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बुध और शुक्र के प्रभाव से बिजनेस फुल स्पीड में दौड़ेगा और आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। राहु 11वें घर का है तो इनकम बढ़नी निश्चित ही है। मंगल भी अष्टम में रहेंगे, यहां पर मंगल के प्रभाव से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस माह उन्हें पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि
आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। विदेश से आपको धन लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको किसी के भी झगड़े में ना आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस झगड़े में आपको नुकसान होने की नौबत आ सकती है और आपको शारीरिक क्षति भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए अच्छा यही है कि आप दूसरों के झगड़ों से दूर ही रहें। सेहत के मामले में कुछ सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। आपको तेज बुखार और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो आप उन्हें कॉल करके पूछें। हम आपकी हर एक प्रश्न का आपको खुलकर जवाब देंगे दोस्तों। लेकिन हम आपसे फिर भी यही करेंगे कि वीडियो आप पूरे धैर्य के साथ दिखा करें। हम आपकी हर एक शंका का समाधान वीडियो में ही कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।